हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेकअप टिप्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक परफेक्ट मेकअप कैसे कर सकते हैं और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे मेकअप में, कि अगर वो छूट जाए तो, या उसको अगर हम करना भूल जाए तो हमारा मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। तो चलिए मूव करते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं आईब्रो मेकअप के। आईब्रो मेकअप अगर अपने मेकअप में उसको शामिल नहीं करते तो हमारी आईब्रोज डिफाइंड नहीं लगती है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप अपनी आईब्रोज को डिफाइंड बनाएं, जिससे आपका मेकअप और फेस का लुक परफेक्ट बने। तो हम चलिए देखते हैं कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमने अपने आईब्रो का मेकअप करने के लिए इनग्रिड का आईब्रो सेट यूज़ किया हुआ है, और इसका डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईब्रो पैलेट चूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा पैलेट चूज़ करना है जिसमें लिक्विड भी हो और पाउडर फॉर्म में भी हो। अगर आप पाउडर फॉर्म का ऑनली लेते हैं तो वो रिमूव हो सकता है ईजिली, अगर आप उसको लिक्विड के साथ यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम स्टे रहेगा। तो इसके लिए हमने ये वाला पैलेट यूज़ किया हुआ है। इसमें हमारा व्हाइट वाला है वो लिक्विड फॉर्म में, ये हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो इसको आप अपनी आईब्रो पे अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। और उसके ऊपर से आप अपने आईब्रो शेड के अकॉर्डिंग अपनी आईब्रो पे पाउडर फॉर्म वाले को अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईब्रो का मेकअप करना। सबसे पहले हम इसमें से व्हाइट वाला है जो वो लिक्विड फॉर्म में है, और बाकी जो थ्री हैं वो हमारे पाउडर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लिक्विड वाला अप्लाई करेंगे। ये हमारा ट्रांसपेरेंट है, और इसको अप्लाई करने के बाद इस पे पाउडर वाला है वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो अब हम ब्रश में हमने पाउडर फॉर्म वाला ब्लैक वाला कलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हैं, तो हम ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंग ग्रे, लाइट ग्रे, ब्राउन, आपके आईब्रो के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं ये ब्लैक कलर वाला चूज़ किया है और अप्लाई कर रही हूँ। और सबसे पहले हमको अपनी आईब्रो में मार्क करना है, उसके बाद इनर साइड फिल करना है, और उसके बाद हमको अच्छे से जब लाइन कर लिया और अंदर फिल कर लिया है, उसके बाद हमको उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईब्रो में, कि ये वाली कलर हमने इसका मेकअप कर लिया है और ये वाली का मेकअप नहीं हुआ। अगर आप अपने आईब्रो का मेकअप नहीं करते हो तो फिर उसके बाद आपका फेस का मेकअप है जो वो बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट लगता है, और आईब्रो बहुत ही ज़्यादा डल फील होती है। मेरी आईब्रो तो बहुत ज़्यादा है, बट तो उतना ज़्यादा फील नहीं होता है। जिन लोगों की आईब्रोज बहुत कम है, ग्रोथ बहुत कम होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, इनकम्प्लीट फेस दिखता है। तो उसके लिए कि आप अच्छा सा किट लें और उसको यूज़ करें। फ्रेंड्स, एक आईब्रो हमारी कम्प्लीट हो चुकी है, तो अब हम दूसरे आईब्रो को मेकअप करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम पहले मार्क कर लेंगे अपनी आईब्रो के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद इनर साइड उसको फिल करेंगे। और मेरी लेफ्ट साइड आईब्रो में कट भी था, तो आप देख सकते हैं कि वो कट भी फिल हो गया है इसके थ्रू, तो वो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये बेनिफिट्स है हमारा आईब्रो को मेकअप करने के बाद, एक एलिगेंट, एक डिफाइंड लुक प्रोवाइड होता है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड देन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरा हैंडल है SwagWithSwati। थैंक यू।